हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लाउज कटिंग मास्टर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 42 इंच साइज़ के कटोरी की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये माप का ब्लाउज है, इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। इसका मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख लें। हम यहाँ पर सबसे पहले एक सीधी मार्किंग करेंगे और इस साइड भी सीधी मार्किंग करें। इसकी लेंथ दे लेते हैं, लेंथ है इसकी 13 इंच, तो हम 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ 14 इंच और यहाँ पर भी 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, क्योंकि 42 साइज का ब्लाउज है, इसलिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसको मिला लेना है। यहाँ पर हम गले के चौड़ाई की मार्किंग करेंगे, हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, 5 का आधा या 2.5 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर इसकी है शोल्डर की पट्टी है, 3 इंच में थोड़ा सा कम है, तो 3.5 इंच में हम एक पॉइंट कम पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जितना आ रहा है 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसकी बॉडी की मार्किंग कर देते हैं। बॉडी इसकी 42 इंच, तो 42 का 1/4 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 42 का 1/4 हिस्सा हमें लेना है, 10.5 पर मार्किंग करेंगे या 1.5 इंच का माया मिलेंगे। अब इसके कमर की मार्किंग करते हैं। कमर है इसकी 38 इंच, तो 38 का 1/4 हिस्सा हमें लेना है। 38 का 1/4 हिस्सा होगा 9.5, यहाँ पर 9.5 इंच पर कमर की मार्किंग करेंगे। और 1 इंच हम प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे, टोटल 10.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और ये 1.5 इंच मार्जिन के लिए, यहाँ पर प्लेट की मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। और यहाँ ऊपर भी हम 4.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे प्लेट की, यहाँ तक हमारी प्लेट लगेगी। अब इसको मिला लेना है। आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल इसका चेक कर लेते हैं, 9 इंच आ रहा है, 9 इंच बराबर है इसके हिसाब से। अब इस हिस्से में हम क्रॉस पट्टी की मार्किंग करेंगे। क्रॉस पट्टी इसकी 2.5 इंच की है, तो हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। और इस साइड हम 12 इंच पर इसको सीधा मिला लेते हैं। अब इसको कट कर लेते हैं, क्रॉस पट्टी को हम बाद में कट करेंगे। यहाँ पर कट लगा देंगे, इसको इस तरह से घुमाना है, यहाँ पर भी एक कट लगाना है। ये बैक वाले पार्ट को इस तरह से ऊपर किया जाता है प्लेट लगाने के लिए, इसको कट कर देंगे। इस साइड में मार्किंग कर लेंगे, एक ही माप के 2 ब्लाउज है। एक पार्ट को हम हटा देंगे, अब बैक पार्ट को लेना है और इस तरह से रखना है।
और इसके हिसाब से सीधी मार्किंग करनी है। और यहाँ पर जिस तरह से हम बैग में प्लेट लगाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। इस पर कैंची रख देंगे और यहाँ से आधा इंच इसमें प्लस करेंगे, आधा इंच इसको बढ़ा दे रहे हैं। और बाकी जैसा है वैसा इसको छाप देंगे। इसको हटा देंगे, इस पर सीधी मार्किंग करेंगे। हमने क्रॉस पट्टी की मार्किंग 3 इंच पर की थी, 3 इंच की क्रॉस पट्टी ली थी, तो 3 इंच पर ही हमें मार्किंग करनी है। इसकी कटोरी है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर ही हमें मार्किंग करनी है। फ्रंट गला है 5.5 इंच, तो 6 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ से गले की चौड़ान 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, 6 इंच पर। इसको मिला लेना है। सामने की गले की मार्किंग कर देंगे और यहाँ फ्रंट में थोड़ी सी गहराई देंगे। इस साइड कटोरी की मार्किंग करेंगे, ये 6.5 इंच है, तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से इसको कटोरी का शेप देते हैं। ये मार्किंग हो चुकी है, अब इसको कट कर लेते हैं। इस साइड हमें सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। यहां से क्रॉस पट्टी को भी कट कर लेंगे। अब इस कपड़े को इस तरह से घुमा देना है और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। एक ही माप के 2 ब्लाउज हैं। अब इस साइड हम आस्तीन कट कर लेंगे। आस्तीन है इसके 5.5 इंच, तो 6.25 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसी के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से नीचे जो जितना हिस्सा बच रहा है 3 इंच ही बच रहा है, यहाँ पर भी हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 9.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इसका आर्म होल के हिसाब से। और आस्तीन राउंड इसका है 7.5 इंच, मतलब 15 इंच है, तो 15 इंच का आधा 7.5 पर मार्किंग करेंगे। अब इसको आस्तीन का एक्शन दे देते हैं। ये हो चुकी है हमारे आस्तीन की मार्किंग, अब इसको कट कर लेना है।
फ्रंट वाले हिस्से में थोड़ी सी गहराई दे देंगे। यहाँ पर और एक कट लगाएंगे ताकि समझ में आ जाए कि इधर डबल कट है वो फ्रंट वाले पार्ट है। कटोरे निकालने के लिए हम इस फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस रखेंगे इसे और इसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। इस तरह से और अब इस मार्किंग को और ये जो हमने मार्किंग की है दोनों को मिला देना है। इस तरह से इसे थोड़ा सा सरकाएंगे। ये मार्किंग मिलाने के बाद यहाँ से हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। कटोरी थी हमारी 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर ही हमें मार्किंग करना है। यहाँ से हम बॉडी की मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच पर हमने मार्किंग की थी, 10.5 पर ही मार्किंग करना है। यहाँ से गले की मार्किंग करेंगे। सामने का गला हमारा 5.5 इंच था, तो 6 इंच पर हमने मार्किंग की थी, तो 6 इंच पर ही हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से गले का शेप दे देते हैं। अब इसके हिसाब से सीधी मार्किंग करेंगे हम। और ये दोनों को मिला लेना है। ये हो जाने के बाद ये 6.5 इंच का सेंटर निकालेंगे हम। 6.5 इंच का आधा 3/4 होता है, 3/4 पर मार्किंग करेंगे इसका सेंटर। और इस साइड नीचे 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस साइड भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस साइड भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तीनों साइड 1.5 इंच बढ़ा देना है। यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ऐसे इसको मिला लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर मार्किंग करेंगे, यहाँ पर भी, और इससे इसको मिला लेंगे। बस ये हो चुकी है हमारी कटोरी की मार्किंग। अब इस साइड और इस साइड सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट कर देना है। दोनों साइड हमें सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है और इसको कट कर देना है। इसको इस तरह से करेंगे। इसे बराबर से छाड़ देंगे। हम यहाँ पर इस मार्किंग पर टेप को रखते हैं। 3/4 इंच मार्किंग करेंगे। हमारी कटोरी 6.5 इंच है, इसलिए 3/4 6.5 का आधा 3/4 पर मार्किंग करेंगे और यहाँ कट लगाएंगे। और इस साइड हमारी क्रॉस पट्टी लगेंगी, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कट करेंगे। ये हो चुकी है कटोरी ब्लाउज की कड़ी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।